वेलकम टू माय YouTube चैनल। और आज मैं कुछ एक्साइटिंग करने वाली हूँ कि मैं एक 10 रुपीस का मेकअप चैलेंज करने वाली हूँ। यस, 10 रुपीस का। सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत दिनों से इकट्ठा किए और एक एक करके आज वो यूज़ करने वाली हूँ। और मैं आज 10 रुपीस मेकअप चैलेंज में एक सेलिब्रिटी लुक क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि रिसेंटली लॉक मैट मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड में यमी गौतम का जो लुक था, जो एक एश कलर की उसने साड़ी पहनी थी और बहुत ही पिंकिश उसका मतलब पूरा फेस बहुत पिंकिश लग रहा था और एक डार्क काजल का लुक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मुझे ऐसे मुझे बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं वो आज लुक क्रिएट करने वाली हूँ 10 रुपीज़ में। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू गाइस अ डिस्क्लेमर दैट इन दिस वीडियो में जो वो सारे प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, ये बस एक मेकअप चैलेंज है जस्ट फॉर फन, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ये सारे प्रोडक्ट ना यूज़ करें तो अच्छा है, मैं भी एक ही दिन के लिए बस यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाली। तो आप इसको ऐसा फन ही ले तो अच्छा होगा, क्योंकि उसे लगातार स्किन खराब भी हो सकता है। सो आई डोंट वांट कि मेरी वजह से आप लोगों की स्किन खराब हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 रुपये में ऐसे कोई मॉइस्चराइजर नहीं मिलता, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं मिलता, तो मैंने जॉय का ये मिनी पाउच लिया है, तो इससे मैं अपना मॉइस्चराइजर करूँगी। फाउंडेशन पार्ट, 10 रुपये में मुझे कुछ फाउंडेशन नहीं मिला और ऐसे 10 रुपये में कुछ फाउंडेशन मिलता नहीं है, इसीलिए एक पिंच का छोटा सा पाउच ये मुझे 10 रुपये में मिला है। मैं इसे आज एज अ फाउंडेशन और एज अ कंसीलर यूज करूँगी। बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद आ जाते हैं इसको सेट करने की, क्योंकि बहुत सफ़ेद लग रही है मेरी फेस अभी। मुझे 10 रुपए में कोई पाउडर मिली नहीं, फेस पाउडर जिससे मैं अपनी फेस को सेट कर सकती हूँ। मुझे ये मिला है स्पॉन्स का, ये बीबी ब्राइटनिंग ब्यूटी टेल्क है, ये शायद एज अ फेस पाउडर काम कर जाएगा, तो मैं इसी से अपना पूरा फेस सेट कर लूँगी। इसके साथ कोई एप्लीकेटर नहीं आया, इसलिए मैंने ये 10 रुपए का खरीद लिया, तो इसी के साथ इसी के हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर दूंगी अपने पूरे फेस में। ऐसा आप देख सकते हैं इसका स्मेल बहुत अच्छा है। अब मैं अपने आईब्रो को फिल करूंगी। 10 रुपए में मुझे कोई आईब्रो किट तो नहीं मिला, मुझे ये काले मिले हैं 10 रुपए में। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अपने लोकल स्टोर से लिए हैं और ये कुछ ADS का काजल लग रहा है, ये क्रीमी प्रोडक्ट है तो इसमें पाउडर से सेट कर लूंगी। काजल यामी गौतम ने बहुत ही डार्क काजल अप्लाई किया है और थोड़ा सा अपने लैश लाइन को ड्रॉ किया है, तो मेरे पास आईलाइनर नहीं है, क्योंकि 10 रुपए में मुझे जो आईलाइनर मिली है उसका
मतलब ये मेरे पास पहले से था जो बहुत ही वाटरी है, अगर मैं इसे यूज़ करूँगी तो मेरा जो सारे लुक अभी भी क्रिएट हुआ है वो सब बिगड़ जाएगा, तो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही। तो कॉन्टोर मुझे 10 रुपए कुछ मिला नहीं, तो मैंने यही लिपस्टिक उसी लिपस्टिक का ये ब्राउन वाला शेड ले लिया है, इससे मैं कॉन्टोर कर लूंगी। पिंक कलर की शेड ले ली और इससे से मैं ब्रश लगाऊंगी, क्योंकि यामी गौतम भी कुछ पिंक कलर का ही ब्रश लगा है। ₹10 में मुझे उतना कुछ अच्छा मस्कारा मिला नहीं, इसलिए मैं एक ये मेरा एक मस्कारा था पहले पुराना, जो ये स्पैचुला है ये खत्म हो गया है बिल्कुल, अभी कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको लेकर और इस काजल की हेल्प से अपने हाथ में थोड़ा ब्लैक लगा लूंगी, तो वैसलीन थोड़ा अपने हाथ में लेकर इसे मैं अपना मसाला लगाऊंगी, क्योंकि मसाला कुछ मिला नहीं मुझे। ₹10 में मुझे कोई शिमर और हाईलाइटर नहीं मिला, इसलिए मैं वैसलीन में अपना हाईलाइटर बना ली। ये बिल्कुल भी मैट नहीं है, इसे मैट बनाने के लिए मैं पाउडर से थोड़ा इसके ऊपर टैप टैप करूंगी। सो दिस इज माय होल फाइनल लुक मेकअप चैलेंज, 10 रुपीज मेकअप चैलेंज लुक, जो मैंने यमी गौतम की जो ब्लॉक मैट स्टाइलिश अवार्ड फंक्शन का जो लुक है उसको मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। अगर थोड़ा सा भी मैं पास गई हूँ और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।